सभापति महोदय, जो लोग राजनीति में सक्रिय हैं और जो लोग राजनीति का अध्ययन, विश्लेषण तथा उस पर टिप्पणी करते हैं, उनमें आपसी संबंध वैसा ही है जैसा लेखक और उसके समीक्षक के बीच होता है। सभी लेखक ऐसे नहीं हैं जो समीक्षक से सामंजस्य को पसंद करते हों, लेकिन मैं आपको आश्वासन देती हूँ कि मुझे आज प्रातः यहाँ आकर और आप सबसे मिलकर, हालांकि यह मिलना कुछ दूर दूर से ही है, बहुत खुशी हुई है। हमारा देश इन दिनों एक रोमांचक स्थिति से होकर गुजर रहा है। जनता को मालूम है कि उसे किस दिशा में बढ़ना है और क्या लक्ष्य प्राप्त करना है। उन्हें यह भी काफ़ी सीमा तक पता है कि उनके पास कौन से साधन हैं, कौन से उपकरण हैं जिनका वे उपयोग कर सकते हैं और किस तरह वे अधिक तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। अधिकाधिक जनता की संलग्नता बढ़ती जा रही है और एक प्रकार की जनशक्ति का निर्माण होता जा रहा है। जैसा कि मैंने एक अन्य अवसर पर और एक अन्य देश में कहा था, यह पहला मौका है जबकि आम आदमी संवेत स्वरों में अपनी बात रख रहा है। इतिहास के क्रम में हमें महान जननेता तो मिले हैं, लेकिन स्वयं जनता मूकदर्शक बनी रही है। उसकी आशा आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति कोई और ही करता रहा है और उसके मन की बातों को कोई और ही सामने रखता रहा है। जैसा कि महात्मा गांधी ने अत्यंत सुंदरता के साथ रखा, लेकिन पहली बार यहाँ और शेष विश्व में लोग अपने महत्व का अनुभव कर रहे हैं तथा अपनी इच्छाओं को, आशंकाओं को और कठिनाइयों को स्वर दे रहे हैं। स्वाधीनता के लिए हमारे संघर्ष और अन्य नौ स्वाधीन देशों के संघर्षों में एक अंतर यह रहा है कि महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हमारा आंदोलन कुछ थोड़े से पढ़े लिखे या उच्च वर्ग के लोगों तक सीमित न रहकर पूरी जनता का आंदोलन बन गया तथा साथ साथ उच्च नैतिक एवं बौद्धिक संवेदनाओं को भी अपने साथ लेकर आगे बढ़ा। भारत जो पहले ही से एक सांस्कृतिक इकाई था, एक स्वतंत्र राजनीतिक इकाई बन गया। लेकिन यह सिलसिला केवल स्वाधीनता प्राप्ति पर ही समाप्त नहीं हो गया। हमने सदा ही अपनी स्वतंत्रता को, अपने प्रयासों को चरम परिणति न समझकर एक आरंभ माना है, जिसका उद्देश्य एक ऐसे समन्वित समाज को संवारना है जिसमें जाति, ऊंच नीच और विशेषाधिकार के पुराने वर्गीकरण न रहें और ऐसे नए सामाजिक दायित्व तथा रिश्ते जड़ पकड़ें जिनमें सभी लोग संबद्ध हों और जिनका लाभ सबको मिले। स्वतंत्रता मिलने के 56 वर्ष बीत चुके हैं। इन 56 वर्षों में हमने काफ़ी दूरी तय की है। समय समय पर हम अपनी गति से
तेजी चलते जा रहे हैं। बाहरी हमलों और अब तक के सबसे भयंकर सूखे तथा अन्य आर्थिक संकटों के बावजूद जनता में अब पहले की अपेक्षा कहीं ज़्यादा आत्मविश्वास है। सभापति महोदय, आप अगर पढ़ना सीख जाएं तो प्रश्न उठता है कि आप क्या पढ़ेंगे? क्या इतना ही पर्याप्त है कि लोग पढ़ना सीख जाएं और वही सब पढ़ें जिसे साक्षर देशों की अधिकांश जनता पढ़ रही है? शायद यह अधिक अच्छा होगा कि हम वह सब ना पढ़ें। मैं नहीं सोचती कि साक्षरता के विकास से स्वतः हम मूल्यों को विकसित करते जाएंगे। अगर चुनाव मूल्यों को अपनाने और साक्षर बनाने के बीच हो तो स्पष्ट है कि हम पहले का चुनाव करेंगे। लेकिन मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि अगर आप दोनों को एक साथ पा सकें तो यह बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति होगी, क्योंकि उससे औरों के मूल्यों और विचार जगत के लिए मन की खिड़की खुल जाती है। हमें उससे अवसर मिलता है कि हम न केवल अतीत के सचित्र ज्ञान का परित्याग प्राप्त कर सकें, बल्कि उस नई जानकारी को भी देख समझ सकें जो विश्व में तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। लेकिन भारत में हम यद्यप साक्षरता की दृष्टि से बहुत पिछड़े हुए हैं, तथापि मैं समझती हूँ कि हमारे लोगों में ठोस सहज बुद्धि है। वे अपनी कठिनाइयों को, अपनी परिस्थितियों को और अपने क्षेत्र की समस्याओं को काफ़ी सूझबूझ के साथ आंक सकते हैं, और यही गुण तब सामने आते हैं जब उन्हें कोई निर्णय लेना होता है, कोई राजनैतिक निर्णय करना होता है। राजनीतिक प्रणालियों के अंतर्गत जनता की गहन प्रतिक्रिया तब व्यक्त होती है जब लोग अपनी इच्छा को स्वतंत्र भाव से और कारगर ढंग से प्रकट कर सकें। तभी पुराने पूर्वाग्रहों और अनर्जित विशेषाधिकारों को भी पक्के तौर पर हटाया जा सकता है। यह बात सही नहीं है कि इस क्रम में कोई विकृति पैदा नहीं हुई है, लेकिन समान रूप से विचित्र तथ्य यह है कि वैसी स्थिति में अपने आप को सुधारने के लिए अविलंब कार्रवाई की जाती है। फिर भी जब हम अपने यहाँ के अधिकांश राजनीति शास्त्रियों की किताबें पढ़ते हैं या अखबारों और पत्रिकाओं में लेखादि पढ़ते हैं तो ऐसी स्फूर्तिदायक बातें हमें देखने को नहीं मिलती। आप मुझे यह कहने के लिए क्षमा करें कि उनसे ऐसा लगता है जैसे एक नीरस सामान्यता का क्रम कभी टूटेगा ही नहीं।